हे फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे एक पोस्टर रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल टॉपिक के ऊपर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने A4 साइज की शीट ली है और स्केल की विड्थ का बॉर्डर पेपर के चारों तरफ लगा दिया है, और उसके बाद स्केल की हेल्प से पेपर का सेंटर फाइंड आउट किया है। कंपास को खोला है 4 सेंटीमीटर के रेडियस पर और पेपर के सेंटर में एक सर्कल लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सर्कल बनेगा हमारी अर्थ। उसके बाद सेंटर से होकर जाती हुई एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, लेकिन ये लाइन हम सर्कल के बीच में ड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद बॉर्डर के कॉर्नर्स और सर्कल के कॉर्नर्स को मिलाकर लाइंस लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बेसिक ड्रॉइंग का स्ट्रक्चर अभी पूरा हो चुका है। इस स्टेप के बाद हम एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं पेंसिल से ड्रॉइंग करूंगा, तो आप देखें पेंसिल ड्रॉइंग का स्टेप, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट स्टेप में जब ये पेंसिल ड्रॉइंग पूरी हो जाएगी। Thank you.
फ्रेंड्स, अब हमारी पेंसिल ड्राइंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसको ट्रेस करेंगे एक ब्लैक ड्राइंग पेन से। अगर आपके पास ड्राइंग पेन नहीं है तो आप किसी थिन टिप वाले स्केच पेन या मार्कर को भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ पेंसिल ड्राइंग करके उसको कलरिंग करना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए एकदम शार्प और क्रिस्प लाइंस, जैसे कि मुझे पसंद है, तो आपको पेंसिल ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब आप इंजॉय कीजिए इंकिंग का स्टेप और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट कलरिंग के स्टेप में। तो फ्रेंड्स, हमारा पेंसिल ट्रेसिंग या इंकिंग का स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सारी की सारी पेंसिल लाइंस को इरेज कर देंगे। तो इस पोस्टर को कलर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ पेंसिल कलर्स, लेकिन आपको जो कोई भी कलर्स पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप वाटर कलर्स यूज कर रहे हैं तो एक बात मेक श्योर कर लें कि जो आपने पेन या मार्कर यूज किया है वो वाटरप्रूफ है, नहीं तो पेन लाइंस पर आप जैसे ही पानी लगाएंगे उसकी इंक सारे पेपर पर फैल जाएगी और सारी ड्राइंग स्पॉइल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप एंजॉय कीजिए कलरिंग के प्रोसेस को और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में।
फ्रेंड्स, हमारा पोस्टर बनके रेडी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाने पर आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगर आप मुझको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। अगर सुपर थैंक्स नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट छोड़ के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।